तो ये ना एक बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, क्योंकि मेरे कैमरे में लिटरली आधा बैटरी बाकी है बस। तो YouTube में वापस आने के बाद ना मैंने अपने बैटरी को चार्ज पे भी नहीं लगाया, सो आज शायद ये खत्म ही हो जाएगा। बट एनीवे, मूवी रिलीज होने ही वाली है, एंड जब दूसरे लोग मूवी के बारे में बात करेंगे तब जाके मैं ट्रेलर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे राम सेतु ट्रेलर के बारे में, एंड आई होप कि आप लोग को इस शॉर्ट वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। और मैंने देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि राम सेतु के ट्रेलर को भी आदि पुरुष के ट्रेलर के बाद ऐसे बैड VFX बोल के बहुत ज्यादा हेट मिला। बट देखिए, आप लोग ना जब भी इंटरनेट में कोई चीज देखते हो ना, वो वायरल होने के लिए बनाई जाती है। मतलब जब भी कोई इंसान इंटरनेट में कोई एक चीज डालता है ना, वो चाहता है कि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, वो फैल जाए। और कड़वा सच जो है, जो अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, वो ये है कि हेट स्प्रेड्स फास्टर देन लव। आप हेट फैलाइए तो वो ज्यादा फैलेगा। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा हेट लोग देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को। और जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में रणबीर कपूर को रणबीर सिंह बोल दिया था, मतलब सबको पता है कि वो मैंने गलती कर दी थी। उसी को ही पिन पॉइंट करने के लिए कितने लोगों ने कमेंट किया। तो वही है कि आप 100 अच्छी चीजें कर लो, लेकिन कहीं भी एक गलती कर दो, लोग उसी गलती को हाईलाइट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ना इस ट्रेलर के इस ओपनिंग शॉट में भी गलतियां निकाली, जो देखिए आई फील कि दिस इज लाइक अ वेरी 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 गुड शॉट एंड इट सर्व्स द पर्पस। देखिए ऑब्वियसली जब आप ऐसे झांकोगे, आपको ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालनी है, तो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि ये CG है। बट उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एंड जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि सर्व्स द पर्पस। और ये चीज ना इस ट्रेलर में बहुत सारी चीजों में हुई है, एंड आई होप कि इस मूवी में भी होगी। जैसे कि शॉर्ट्स को प्रायोरिटाइज करना, मतलब इस ट्रेलर में ना काफी बुरे शॉर्ट्स भी है और काफी अच्छे शॉर्ट्स भी है। तो आई होप कि मूवी में ऑब्वियसली ट्रेलर से ज्यादा अच्छा होगा शायद। बट मैं यही होप कर रहा हूँ कि उन लोगों ने जो चेकलिस्ट बनाया होगा कि ये इंपॉर्टेंट सीन्स है, यहाँ पे ज़्यादा बजट और ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, उन सब चीज़ों में उन लोगों ने लगाया। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे नहीं लगाने से भी होगा, मतलब कॉन्टेक्चुअल है, लोगों को देख के समझ में आ जाएगा, तो उन सीन्स को उन लोगों ने वैसे ही रख दिया। तो द बजट डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बोलता था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि ये सूटअप वाला सीन, इस सीन को लेके शायद आप लोगों ने भी कितने सारे वीडियोस देखे होंगे, कितने सारे लोगों ने कितना कुछ बोला है, प्लास्टिक ही लगता है ये चीज़ एंड अननेचुरलिस्टिक है, ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार का चेहरा चिपका दिया, ऑल दिस थिंग। ओके फेयर, मैं समझ गया कि आप लोग क्या बोलना चाहते हो। बट अगर इन सब चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए, फिर भी ना एक प्रॉब्लम है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था ना, सिर्फ एनिमेटर्स को पता चलेगा, वैसी एक प्रॉब्लम इस सीन में है जिसके बारे में किसी ने भी बात नहीं की अभी तक, और वो चीज़ है एनिमेशन। देखिए अभी क्या है ना, इस सीन में एनिमेशन ऐसे कोई खराब नहीं है, बट इसमें ना फिननेस नहीं है। अगर आपको मैं अच्छे से समझाऊँ ना, तो आप लोग को ये एक ट्रेलर है जो आप लोग को देखना पड़ेगा, मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। ये ट्रेलर है स्टारक्राफ्ट गेम का फ्रॉम 2010, एंड मुझे अभी भी याद है कि ये जब ट्रेलर निकला था ना उस टाइम पे, मतलब जब मैं ऑलमोस्ट जस्ट सीख के निकला हूँ, तो ये ट्रेलर देखिए हम लोग को इतना रियलिस्टिक लगा था उस टाइम पे कि कैसे बना दिया, मतलब दिस इज मेड इन 3D। बट देन अभी ऑब्वियसली हम लोग उतना मैच्योर्ड हो चुके हैं, मतलब मैच्योर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस मैच्योरिटी बोल रहा हूँ मैं, कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मैच्योर्ड हो गया, बट अभी देख के पता चला कि 3D थोड़ा वीक है, दिस एंड दैट। बट फिर भी ना ये अगर ट्रेलर आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको पता है कि ये 3D है, बट फिर भी यू आर सोल्ड कि ओ माय गॉड दिस इज सो रियलिस्टिक। वो कैसे? दिस इज बिकॉज ऑफ एनिमेशन। और एनिमेशन में ना एक बहुत ही सोबर सी चीज होती है, जो होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो है कि कोई भी चीज ना जिस मोशन में रहती है उसको उसी में रहना होता है। मतलब अगर कोई स्टैंडिंग चीज है तो वो हमेशा ऐसे ही रहने की कोशिश करेगा, और अगर कोई चीज चल रही है तो उसको ना उसी स्पीड में चलते रहना है, मतलब उसको वही मोशन मेंटेन करना है। और इसीलिए ना लगते हैं झटके, लिटरली। मतलब मैं आप लोग को ये चीज बता के समझा रहा हूँ, ये जो ट्रेलर मैंने आप लोग को देखने के लिए बोला ना, इस ट्रेलर में आप लोग जितने भी एनिमेशन को देखोगे, सब में ना एक स्वीट सा रिवर्ब है, विजुअल रिवर्ब। आप समझ रहे हो, जैसे कोई भी अगर चीज आके रुकती है ना, तो ऐसे रुकेगी तो थोड़ा आपको अननेचुरल लगेगा, लेकिन अगर कोई चीज आके ऐसे रुकती है तो वो थोड़ा सा नेचुरल लगता है आपको, कि आके फिर रुकी, थोड़ा पीछे गई एंड आगे गई। आप समझ रहे हो, मतलब ये जो होता है, जो नेचुरलिस्टिक मोशन होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनिमेशन में। या फिर सारे आयरन मैन सूट अप सीन्स को भी देखोगे ना, वो इतना रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, उसका क्रक 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 करती है, वो सब में ना वो विजुअल रिवर्व होता है, दैट क्रिएट्स द रियलिज्म दैट इट हैज। लेकिन जो राम सेतु ट्रेलर के जो एनिमेशन जो हम लोग को ट्रेलर में दिखा, आई होप कि उन लोगों ने मूवी में इसको ठीक कर दिया होगा, वहां पे लेकिन वो विजुअल रिवर्व नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। एंड उन लोगों ने इस सूट को रियलिटी में बनाया था, और ऑब्वियसली सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना मैकेनिकल रिग तो वो लोग नहीं बनाएंगे एक मूवी के लिए, तो उन लोगों को डेफिनेटली एनिमेट करना पड़ा। बट मैंने जैसे कि बोला कि आई होप कि उन लोगों ने ये इशू मूवी में फिक्स कर दिया होगा,
क्योंकि वही चीज़ ना मैं भी करता हूँ कि व्हेनेवर आई गेट अ चांस टू वर्क विद समबडी, मतलब कोई मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट है या फिर कोई एनिमेटर है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ एंड हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ भेजना है क्लाइंट को, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट ड्राफ्ट में, क्योंकि टाइम की तो बहुत कमी रहती है, तो मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ड्राफ्ट में ना बस एनिमेट करके भेज दो, मतलब रफ एनिमेशन जो होता है स्मूथ एनिमेशन करके भेज दो, उसके बाद जो फर्स्ट राउंड ऑफ अप्रूवल चलते रहेगा ना क्लाइंट के साइड में, तो आपको थोड़ा बफर मिलता है, इधर थोड़ा टाइम मिलता है, वो टाइम आप वेस्ट मत करो, वो टाइम में ना आप लोग इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हो। कि सपोज कोई टाइटल आ रहा है, मैं इधर एक एनिमेशन डाल दूंगा कि कोई अगर टाइटल आ रहा है तो ऐसे ही नॉर्मल एनिमेशन करके मैं बोलूँगा कि भेज दो क्लाइंट को, क्योंकि जल्दी होता है। देन जब क्लाइंट देख रहा है, क्लाइंट अपने बॉस को दिखा रहा है, तो एक राउंड ऑफ अप्रूवल चलता है राइट, उस टाइम पे मैं एनिमेटर को बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐड करो, कि ये थोड़ा विजुअल रिवर्ब, आई होप कि आप लोग को वो डिफरेंस पता चल रहा है, बट वो सारी चीज़ें ना इस एनिमेशन में नहीं है, राम सेतु के एनिमेशन में, और इसीलिए ना ये थोड़ा प्लास्टिकी एंड बहुत पॉलिश्ड जो लुक है वो आ रहा है एंड इट बिकम्स वेरी अननेचुरल। बट ओनली बिकॉज मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम गिविंग हेट, ठीक है। ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इस ट्रेलर का जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है राम सेतु का जो ये लोगो एनिमेशन है, मतलब फ्रॉम द टाइपोग्राफी टू द लोगो एनिमेशन एंड लास्ट में जो वो एकदम स्वीट सा राम सेतु बनता है आर से, ब्रिलियंट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। सो दैट्स इट गाइज, जैसा कि मैंने बोला था कि छोटा सा वीडियो बनेगा, तो दिवाली का मौसम है, दिवाली आ चुकी है, आई होप कि दिवाली तक ये वीडियो मैं एडिट करके डाल पाऊँ। तो अगर आप लोग घर में हो तो अच्छे से रहिए, दिवाली अच्छे से मनाइए, टेक केयर एंड आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा। सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। दिस वाज शमीम, यू वॉचिंग की बाकी बी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।